इस वेले दी वड्डी खबर दिन दी सब तो वड्डी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री दे चेहरे दा ऐलान हो चुका। कांग्रेस दे वल्लों मुख्यमंत्री दे चेहरे दा ऐलान कर दिता। इस खबर दे उत्ते सब दियां नजरां सी, सब दा सब नूं इंतजार सी, ओह इंतजार दियां घड़ियां खत्म हो चुकियां। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री दे चेहरे बन चुके ने। राहुल गांधी ने रैली दौरान वड्डा ऐलान कर दिता कि मुख्यमंत्री दा चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होणगे। पंजाब दे विच पहला 111 दिन दी कारगुजारी चरणजीत सिंह चन्नी दी दिखाई गई सी। तां चरणजीत सिंह चन्नी अक्सर कहिंदे सी कि तुसी मैनूं 111 दिन दित्ते ने, तुसी 5 साल दो तां पंजाब दी नुहार बदल देवांगे, पंजाब नूं रंगला पंजाब बना देवांगे। तां अज इह सब तों वड्डी खबर दिन दी जिसदा सब नूं इंतजार सी, चरणजीत सिंह चन्नी दे नाम दे उत्ते हाईकमान ने मोहर लगा दित्ती है कि मुख्यमंत्री पंजाब दे विच चरणजीत सिंह चन्नी होणगे। नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम सामने आ रहा सी। नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत सिंह चन्नी सी, पर अज ओ क्या सराइयां खत्म हो चुकियां, ओ जिहड़ियां उम्मीदां सी सब नूं खत्म हो चुकियां कि जिहड़े शशो पंज सी ओ खत्म हो चुकिया। पर इस सब दे विच इह सवाल है कि इह उम्मीदां सी जिहड़ियां कि मुख्यमंत्री दा चेहरा कौण होवेगा, क्या सराइयां सी शशो पंज सी, ते की इस दे बचाले हुण कांग्रेस दा कलेश खत्म होवेगा जां कांग्रेस दा कलेश होर वधेगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पहला ही कह दिता सी कि जो भी हाईकमान का फैसला होवेगा वह सानू मंजूर होवेगा। सो वड्डी खबर दिन की सब तो वड्डी खबर कि चरणजीत सिंह चन्नी दे नाम दे उत्ते मोहर लग चुकी आ। पंजाब दे विच मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होणगे, सब नू इंतजार सी। पहला लंबी मीटिंग हुई, 2 बजे का समा सी, 2 बजे की बजाय 3 बज चुके, 3:30 हो गए, 4 बजे, 4 बजे तो बाद जिहड़ी आ रैली जिहड़ी शुरू हुई आ, वर्चुअल तरीके दे नाल रैली कीती गई। राहुल गांधी दे उस बयान नूं सब बड़े ध्यान दे नाल बड़े गौर दे नाल सुनना चाहुंदे सी कि आखिर पंजाब दे मुख मंत्री दा चेहरा कौण होवेगा। सो राहुल गांधी दा जिवें ही बयान आया तां उत्थे जिहड़े वर्कर सी नारे लगाउणे शुरू कर दित्ते। ढोल नगाड़ियां दे विच चरणजीत सिंह चन्नी दा स्वागत होया। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी जिहड़ी जमीन दे उत्ते नमस्कार कीता, धरती नूं चुम के उसदा फैसले का जिहड़ा स्वागत किया चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों। हालांकि जदों रैली शुरू हुई सी, जदों नवजोत सिंह सिद्धू अज बड़े बेवाकी दे नाल बोलदे नज़र आए सी, तां उस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी बड़े ठरमे दे नाल बैठे सी। लोगों के वल्लों अंदेशे यह लगाए जा रहे सी कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू होणगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोश दे विच बोले सी चरणजीत सिंह चन्नी ने भी। स्टेज तों उठ के नवजोत सिंह सिद्धू नूं जफ्फी पा ली सी जदों उन्हां दे वल्लों बोलिया गया सी, ते चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिता सी कि अज तां नवजोत सिंह सिद्धू ने हनेरी लगा दित्ती। सारे इशारे समझ रहे सी शायद कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री दे चेहरे होणगे, पर आखिर दे विच राहुल गांधी ने ऐलान कर दिता कि चरणजीत सिंह चन्नी ही पंजाब दे मुख मंत्री दे चेहरे होणगे। राहुल गांधी दा वो ऐलान तुहानू सुणाउने आ, जदों ऐलान होया उस तो पहला राहुल गांधी ने की कहा वो ऐलान भी सुना दिंदे आ। नया विजन देते हैं, पंजाब को एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है, तो यह फर्क है हम में और उनमें। मेरे लिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है। देखिए, ये पंजाब का निर्णय है, ये राहुल गांधी का निर्णय नहीं है। आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए, मैं आपको स्टेट से बता देता हूं कि मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने युवाओं से पूछा, मैंने वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा, और जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, जो पंजाब ने कहा, वो निर्णय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रदेश जो है, देखिए आज सिद्धू जी ने गाड़ी में बोला, ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है,
ये प्रदेश, इस प्रदेश को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए। और मेरा काम आपकी आवाज को सुनना, आपकी आवाज को समझने का है। मेरा जरूर उसमें ओपिनियन हो सकता है, मगर आपका ओपिनियन, पंजाब का ओपिनियन, पंजाब के जनता का ओपिनियन मेरी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। अब हमने पंजाब से पूछा और पंजाब ने, सॉरी, पार्लियामेंट में मैंने कहा कुछ दिन पहले, मैंने भाषण में कहा कि देखिए दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक चुने हुए लोगों का, अरबपतियों का हिंदुस्तान, मर्सिडीज, हवाई जहाज, वो वाला हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। एक में करोड़ों लोग, दूसरे में 100-200 लोग। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये मैंने बात की हीरो की, अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। मैं चाहूंगा कि चन्नी जी 2 मिनट